देशवासीको पीएम मोदीको 85,000 कोटी रो रेल प्रकल्प भेटी। देशरे 10टी नुवा वंदे भारत ट्रेन रो शुभारंभ। विशाखापाटना रु भुवनेश्वर ओडिशा को मिलला तृतीय वंदे भारत एक्सप्रेस। राज्यरे 274टी नुवा रेल प्रकल्प पई भित्ति स्थापन कले प्रधानमंत्री। रेल प्रकल्प पई ओडिशा को रेकर्ड अनुदान दे आसुछंती नरेंद्र मोदी। देशरे रेलपथर विकास पई मोदी सरकारक बड़ पदक्षेप। कोटिए दिन में देशवासी को 85,000 कोटी टंका मूल्यर रेल प्रकल्प भेटी देछंती प्रधानमंत्री। एथिरे रहिछि 10टी नुवा वंदे भारत एक्सप्रेस जहाँ को देशवासी को उत्सर्ग करिछंती पीएम मोदी। एथिसह ओडिशा को मिलिछि तृतीय वंदे भारत एक्सप्रेस। विशाखापाटनारु भुवनेश्वर को चलाचल आरंभ करिछि एही नुवा ट्रेन। मोदी कहिछंती ए 10 वर्षर काम ट्रेलर मात्र, आगोकु आफ्री जिबार अछि अनेक बाट। विकसित भारत की दिशा में देश ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस कार्यक्रम में अब यहां 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का और लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। और आप देखिए, आज 85,000 करोड़ रुपए, 85,000 करोड़ से अधिक से सिर्फ और सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं। टेक्नोलॉजी का और प्रधानमंत्री जी की विराट सोच का डिजिटली कंट्रोल्ड स्टेशन, आज माननीय प्रधानमंत्री जी करीब 2,500 से ज्यादा डिजिटली कंट्रोल्ड रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। डिजिटल कंट्रोल से स्टेशन की सेफ्टी कई गुने बढ़ जाती है। 2014 से पहले हर वर्ष मात्र 40-50 स्टेशन को डिजिटल कंट्रोल में अपग्रेड करते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी हर वर्ष 400 से 500 यानी 10 गुने अधिक काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिजिटल कंट्रोल का हो रहा है। गुजरात अहमदाबाद रेल भित्तिभूमि विकास सह रेल संयोगीकरण क्षेत्र में देशव्यापी विविध प्रकल्प शिलान्यास उद्घाटन और लोकार्पण करिछन्ते प्रधानमंत्री। देशर 764टी रेल स्टेशन रे आयोजित होइथला कार्यक्रम एका सांगरे 10,000 लाइव स्क्रीन माध्यम रे होइथला प्रसारण। ओडिशा रे 274टी नुवा रेल प्रकल्प पई भित्ति स्थापन कले पीएम मोदी। एथिरे रहिछि 162टी इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, 41टी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल, 50टी सोलार पावर स्टेशन, 5टी गुड सेट। ओडिशा रे 9टी रेल लाइन दोहरीकरण ओ तृतीय लाइन रो लोकार्पण करिछंती प्रधानमंत्री। एथिरे रहिछि भद्रक निर्गुंडी रेल लाइन, कोरापुट डुमरीपुट नूतन रेल लाइन और कोरापुट रायगड़ा रेल लाइन रो दोहरीकरण। आम पुरी रेलवे स्टेशन जगन्नाथ धाम रेलवे स्टेशन ता भीतर आमर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट ए स्कीम रे आमर आज योजना करा जायछि। एटी स्टॉल खोला जायछि जे आमर एठी एठी ओडिसा राज्य रो जो हस्तशिल्प कला कारीगरी ताको प्रोडक्ट आनिमे, या द्वारा रोजगार लोक रोजगार क्षम हेबे। एसएचजी ग्रुप रे महिला माने भी लाभवान हेबे, यात्री भी निश्चित भाव रे उपकृत पाइबे। मोदी सरकार को अमल रे रेल प्रकल्प पई ओडिसा को मिलुछि रेकर्ड अनुदान। नजर पकांतु यूपीए समय ओडिसा को आसुथिबा अनुदान ओ एनडीए समय रेल अनुदान। 2009-2014 यूपीए सरकार द्वितीय कार्यकाल 5 वर्ष रे ओडिसा को मिलिथिला मोट 4,200 कोटी रो रेल अनुदान, किंतु परवर्ती 5 वर्ष अर्थात 2014-2019 मोदी सरकार को प्रथम कार्यकाल रे ओडिसा को मिलिला 20,213 कोटी। सेपरि 2020-2024 मोदी सरकार को द्वितीय कार्यकाल प्रथम 4 वर्ष रे ओडिसा को मिलिछि 32,774 कोटी रो रेल अनुदान। ओडिशा रे रेल प्रकल्प पई गत वर्ष 9,774 कोटी रो अनुदान आसीथिबा बेले एथरो आसीछि 10,012 कोटी। तेबे ओडिशा सरकार मागिथिले 8,400 कोटी। पूर्वरु यूपीए समय राज्य जेतिकी मागुथिला ताठारु कम मिलुथिला, एबे किंतु मागिबा ठारु मिलुछि अधिक अनुदान। मोबाइल फोन ओ संगसाथी आपनको पिलाटीर पाठपडा ओ करियर को प्रभावित करूछि कि आपन सेति पे विद्रुत कि तेबे आज ही आसंतु आपन चाहुतिबा मन लागि संपूर्ण आवासिक स्कूल। टीएससी गुरुकुल गोठबाटना भुवनेश्वर।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।